उसमें क्वेश्चन आए भी थे, इसी पीडीएफ से कई सारे क्वेश्चन मिले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का। 76 तक हमने कर लिया है, सेकंड वीडियो में आप देख सकते हैं। बात करते हैं 78 के बारे में। 78 में जो क्वेश्चन है वह है, सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन यूपी में कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में। आपको ये बताना है कि वो कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो आम का उत्पादन होता है मलिहाबाद में, जो कि लखनऊ में है। ये लखनऊ डिवीज़न में आता है और ये लखनऊ से बिल्कुल सटा हुआ है मलिहाबाद। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आम होता है और पूरे इंडिया में ये सप्लाई किया जाता है। इवेन ये यहाँ का आम पूरे वर्ल्ड में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 79 नंबर का। घी का पर्यायवाची शब्द बताना है जो कि हिंदी क्वेश्चन संबंधित है, और जो घी का पर्यायवाची होता है वो होता है अमृतसार, अवि, अयन, घृत। तीन ही मैंने आपको बताया है क्योंकि होते तो और सारे हैं लेकिन तीन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन में किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, तो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। यदि अमृतसर पूछ लिया जाएगा तो अमृतसर किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये घी का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं क्या है कि भयाकुल का जो संधि विच्छेद है वो आपको बताना है कि भयाकुल का संधि विच्छेद क्या है। भय प्लस आकुल, भयाकुल का संधि विच्छेद है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साल्ट सिटी के नाम से कौन जाना जाता है, पूरे इंडिया में जो साल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है वो ज़्यादा गुजरात। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसे साल्ट सिटी कहा जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो नमक का उत्पादन यहाँ पे होता है साल्ट सिटी और फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर का कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 28 फरवरी को एवरी ईयर। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किस महान व्यक्ति ने आनंद मठ की रचना की है। आनंद मठ की जो रचना की गई है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने किया है आनंद मठ की रचना। काशी की बहन किसे कहा जाता है, गाजीपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। गाजीपुर में गाजीपुर ये उत्तर प्रदेश में ही है और नियरेस्ट में काशी यानी कि बनारस, बनारस के पास में ही है, इसलिए काशी एंड जो गाजीपुर है ये दोनों आपस में बहन कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 85 देखते क्या है, किस शहर को क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है। मेरठ शहर को क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है क्योंकि मेरठ से ही जो क्रांति शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के अगेंस्ट, वो मेरठ से ही इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए क्रांति नगर के नाम से मेरठ को जाना जाता है। अजात शत्रु का क्या मतलब होता है, अजात शत्रु का मतलब होता है जिसके कोई भी शत्रु ना हो उससे कहा जाता है अजात शत्रु। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध। लीची नगर के नाम से कौन फेमस है, वैसे लीची तो कई जगह होती है लेकिन जो पॉपुलर नाम है वो है देहरादून। देहरादून कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, जो कि पहले 2000 से पहले, 2000 से पहले ये था उत्तर प्रदेश में बट अभी शिफ्ट हो गया है, अब ये हो गया है देहरादून उत्तराखंड में। दवाई का पर्यायवाची शब्द बताना है, यानी मेडिसिन इंग्लिश में कहते हैं, मेडिसिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये होगा औषधि, दवाई, भेषज, दवा। ये चार हैं इसके पर्यायवाची शब्द हैं। उड़न परी किसे कहा जाता है, पीटी उषा जी को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। पीटी उषा को इनका नाम है, पीटी उषा जो कि उड़न परी के नाम से जानी जाती है। तू डाल डाल, मैं पात पात, और मैं पात पात का क्या आशय होता है, एक से बढ़कर दूसरा, यानी दो व्यक्ति हैं उनमें क्या है कॉम्पिटिशन है, एक दूसरे से आगे बढ़ते हुए एक से बढ़कर दूसरा है, तो डाल डाल मैं पात पात। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है, मैसूर। मैसूर एक बहुत ही फेमस प्लेस है कर्नाटक में, मसूरी नहीं है मैसूर है, तो आपको याद होना चाहिए। और इसका ये प्रॉपर तरीके से बहुत ही टूरिज्म का भी प्लेस है मैसूर, यहाँ बहुत सारे लोग जाते भी हैं एज ए टूरिस्ट पर्पज से। देवकली मंदिर कहाँ पर है, औरैया जो कि ये पड़ता है झांसी के आसपास। वाद विवाद का शुद्ध शब्द क्या होता है, वाद विवाद होता है ना कि वाद विवाद होता है, वाद विवाद होता है, वाद विवाद का शुद्ध शब्द है। मणिपुर की राजधानी का नाम क्या है, जो मणिपुर की राजधानी है वो है इम्फाल। तो आपको सारे स्टेट और सभी स्टेट की कैपिटल को जानना बहुत जरूरी है, और चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वीडियो मैं आपको कल बता दूंगा और आपको दे दूंगा, जिसमें पूरे इंडिया में जितने भी राज्य हैं सभी राज्य के मुख्यमंत्री और सभी राज्य के राज्यपाल का नाम क्या है,
और कब से उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, वो सारी डिटेल में आपको अगले वीडियो मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। पत्थर का खिलौना कहाँ पर बनाया जाता है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा? ये बनाया जाता है चित्रकूट में। और एक 96 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि सहयोग के बदले, सहयोग का मतलब हुआ आपका नमक खाया हूँ का इसका मतलब होता है, जो कि मुहावरा है ये। त्रिपुरा की राजधानी का नाम बताना है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था जैसा कि सभी स्टेट के कैपिटल, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। किसी भी पार्टिकुलर बेसिकली ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ईस्टर्न यूपी, ईस्टर्न इंडिया में, यानी कि जितने भी पूर्वी राज्य हैं उत्तर पूर्व भारत के, उनसे जरूर पूछा जाता है। आसाम, केरल, इस सब का डेफिनेटली पूछा जाता है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन है शिप्रा नदी के किनारे, और उज्जैन में बहुत ही बड़ी फेमस मंदिर है महाकाल। और साथ में वहाँ पे उज्जैन में जो महाकुंभ लगता है एवरी 12 ईयर्स, 12 साल बाद, वो यहीं पे लगता है, शिप्रा नदी के किनारे ही लगता है उज्जैन में। उज्जैन में लगता है नासिक एंड हरिद्वार एंड इलाहाबाद। इलाहाबाद अगले नेक्स्ट ईयर आने वाला 2019 वाला महाकुंभ, और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन हो रही है उत्तर प्रदेश में स्पेशली। तो आप इसके न्यूज़ देखते रहिए, अपडेट, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। और इलाहाबाद का नाम बदल के हो सकता है आने वाले नेक्स्ट ईयर में इसका प्रयाग नाम हो जाए दोबारा से, तो देखते हैं क्या होता है, बट इसके बारे में बातचीत चल रही है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं क्या है कि गुजरात की राजधानी का क्या नाम है? गुजरात की राजधानी कहाँ पर है? एक गांधीनगर में। राम नचा नचा रहा है सभी को, इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी मर्जी का मालिक है, वो किसी की बातें नहीं सुनता है। 102 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 102 क्वेश्चन नंबर क्या है कि गौरीश का संधि विच्छेद क्या होता है? गौरी धन ईश, ये होता है गौरीश का संधि विच्छेद। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? यह है कवारत्ती। कवारत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी। उदाहरण शब्द के पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, उदाहरण शब्द कितने पर्यायवाची शब्द बन सकते हैं। उदाहरण शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो है नमूना, दृष्टांत, मिसाल एंड उद्धरण, ये है उदाहरण शब्द के पर्यायवाची शब्द। अमर्यादित का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति मर्यादा में वो ना माने और मर्यादा से बाहर काम करे उसे कहा जाता है अमर्यादित। सिक्किम की राजधानी, वैसे मैंने इस वीडियो में कवर किया है, कोशिश किया है पूरी तरह से कवर करने के लिए कि कितने को स्टेट हैं, उनमें सभी स्टेट के कैपिटल जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो इसमें वीडियो में कवर हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ये है गैंगटोक, सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक। रात और दिन में कौन सा समास है? यह द्वंद्व समास, रात और दिन में। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं कि अब बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? बाबर की आत्मकथा का नाम था बाबरनामा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और रिपीटेड कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है? डायमंड हार्बर के नाम जाना जाता है कोलकाता। कोलकाता एक सिटी है, एक बहुत ही बड़ा शहर है जो कि वेस्ट बंगाल में है, और वेस्ट बंगाल की कैपिटल भी है कोलकाता। तो कोलकाता जो जाना जाता है हार्बर के नाम जाना जाता है डायमंड हार्बर के नाम से। कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? ये भी आपको जानना जरूरी है। कालीबंगन स्थित है वो है राजस्थान में। 101 यानी 111111 जो क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता इसकी जो किताब है उसको किसने लिखा है इस किताब को, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुनाहों के देवता का जो राइटर है उनका नाम है धर्मवीर भारती, यानी कि धर्मवीर भारती ने ही लिखा है गुनाहों के देवता का, किताब की रचना की है। सावन हरे न बाधो सूखे का क्या मतलब होता है? कि हमेशा एक जैसे रहने वाले व्यक्ति को कहा जाता है सावन हरे न बाधो सूखे, इसका मतलब यही होता है कि व्यक्ति जिसके व्यवहार में कोई परिवर्तन ना हो वो एक जैसा रहे उसे कहा जाता है। हिरोशिमा किस देश में स्थित है? जैसा कि आप जानते हैं हिरोशिमा नागासाकी जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था परमाणु, तो ये तो जानना बहुत ज़रूरी है, यह जापान में हिरोशिमा। खूबसूरत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सुंदर है, मनोज, रूपावन, रमणीक, यह है खूबसूरत शब्द का पर्यायवाची शब्द। मानव शरीर में हृदय का क्या काम होता है? रुधिर को पंप करने का काम करता है, जो कि पंपिंग का काम होता है, रुधिर मतलब ब्लड, खून की पंपिंग करता है यानी ह्यूमन हार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9-2-11 होने का मतलब क्या होता है? कि किसी भी प्लेस से भाग जाना बिना कुछ बताए हुए किसी व्यक्ति को, यहाँ से भाग जाने का मतलब 9-2-11 हो जाना।
मेघों का घर किसे कहा जाता है? मेघालय को मेघों घर का, मेघालय जहाँ आप जानते हैं जब जब शिलोंग, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रेनिंग होती है, बारिश होती है, इसलिए मेघों का घर भी कहा जाता है मेघालय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 118 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक अनाज 100 बीमार का मतलब क्या हुआ? कि एक कोई भी सामान या कुछ ऐसा है जिसके चाहने वाले बहुत सारे हैं, एक को अनेक लोग पसंद करते हैं, उसे कहा जाता है एक अनाज 100 बीमार, यानी एक प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग चाहने वाले को, उस प्रोडक्ट का नाम कहा जाता है एक अनाज 100 बीमार। जीजाबाई कौन थी? जीजाबाई थी शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाता है बेंगलुरु, बेंगलुरु जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से। और ये क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, 121 नंबर का, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? वो थी 1921 में। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्ट थर्ड है 500 GK क्वेश्चन का, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास ऑन टाइम पहुँचते रहें। और अगला वीडियो आपको इवनिंग में 7 से 8 के बीच में मिल जाएगा कल, ठीक है, नेक्स्ट डे फोर्थ पार्ट। तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा प्रोत्साहन मुझे, मेरी टीम को मिलेगा एक नए वीडियो लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।